नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास वॉशिंग मशीन आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों इसके चूहे ने सभी तार काट दिए हैं, मैं आपको उसके प्रॉपर वायरिंग सिखाऊंगा किस तरह में वायरिंग करते हैं दोनों टाइमर की। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको आज इसे वायरिंग सिखाने वाला हूँ। यह मशीन हमारी है सैमसंग की अपनी मशीन है 7.2 kg में। ठीक है दोस्तों, चलो हम इसके पहले पीछे का टप्पा खोल कर देख लेते हैं। देखो ऊपर का ये है ढक्कन, मैंने इसका ढक्कन उतार लिया है। टाइमर देखो दोस्तों क्या इसकी हालत कर रखी है, ये चूहे वगैरह कर रखा है इसमें कबाड़ा। मशीन की हालत देख रहे हो दोस्तों, चलो हम इसे प्रॉपर वायरिंग करके दिखाएंगे आज। चलो पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे आपको। इसके तार काट दो सारे, काट दो तार, ये निकाल दो सारे तार। पहले इसकी हम सफाई कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। कितनी मिंगन रखी है इसमें, पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। चलो इसके सारे तार काट लेते हैं हम इसके। देखो दोस्तों मैंने पैनल ख़त्म कर दिया, कोई तार नहीं छोड़ा इसमें। ये हमारा पैनल है, इसमें सिर्फ दुख दोस्तों चूहे ने जड़ते तार काट दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। देखो दोस्तों तार चूहे ने जड़ते काट दिए हैं, देर वजह थोड़ा दिखाई दे रहा दोपहर में। ये हमारा वजह है इसमें दो तारों का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइमर है सुखाने वाला चार तारों में। चलो मैं इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ, नीचे का दिखा देता हूँ दोस्तों। नीचे का ढक्कन खोल लेते हैं हम इसका। ये देखो दोस्तों क्या कर रखा चूहों ने, कपड़े कुपड़े सब उठा के ले आए हैं। ये देखो दोस्तों मोटर की तार है, चूहों ने जड़ते काट दिए हैं दोस्तों, ये सारी तारें कुतर दी हैं। चलो मैं अब किसको वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको, हमें किस तरह वायरिंग करनी है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, बारीकी से समझाऊंगा, एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं देखनी पड़ेगी आपको किस तरह वायरिंग करते हैं। कहीं सिंपल तरीका बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों एक मोटर चेक करने के लिए सीधी बना लेंगे। एक तार हमने लिए इस पर लंबी तार ले ली है। ठीक है दोस्तों, इसे बीच में से कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज के लिए तार होगी हमारे पास। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हमारे बोर्ड हर जगह नहीं ले जा सकते, इस तरह की तार ले लेंगे। इसके बीच में कहीं भी एक होल्डर लगा लेंगे, जैसे कि हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये इस जगह लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये कभी पास में हो जाएगा होल्डर, किसी एक तार में काट के लगा लेंगे हम। होल्डर में तार जोड़ लेंगे, हम सीरीज बना लेंगे दोस्तों, ताकि मोटर की तार कैसे चेक करते हैं आपको बार बार पता करनी नहीं पड़े मेन कौन सी है। दोस्तों हर चीज़ चेक हो जाएगी, सब बोर्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड हो या ना हो। ये दोस्तों मैंने आपको सीरीज बनाने का तरीका बता दिया है, सिंपल सीरीज। अब हम इस तरह एक बल्ब लेकर इसमें लगा लेंगे। देखो दोस्तों समझ आ गई होगी आपके, ये हमारी तार जुड़ी थी हमने बीच में से काट के, यहाँ बल्ब होल्डर लगा दिया है एक तार में। अभी हमारे पास प्लग आ गया, हम इसे लगा लेंगे बोर्ड में। देखो बोर्ड में लगाने के बाद किस तरह बल्ब जलता है। ठीक है दोस्तों, दिख गया होगा आपको प्रॉपर। चलो अब हम मोटर चेक कर लेते हैं, चलो मशीन के अंदर चलते हैं हम। चलो दोस्तों हम इसे बोर्ड में लगा लेंगे प्लग को, किसी भी एक कोल प्लग में। देखो दोस्तों हमारी सीरीज चालू हो गई है, दिख रहा होगा। चलो अब हम मोटर की तारें चेक कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों, करंट वरंट ना लग जाए आपको।
हमें सिर्फ, चलो हमने अब चेक कर लेते हैं इसमें। इसमें तीन तार हैं दोस्तों, एक वाइट तार है, येलो है, देखो वाइट और येलो पर लगा रहे हैं दोस्तों, बल्ब ग्लो कर रहा है। चलो दूसरे पर लगा के देखते हैं, देखो इसमें भी ग्लो कर रहा है बल्ब। हम दोनों पे लगा के देखो, देखो इसमें कम ग्लो कर रहा है बल्ब, मतलब हमारी जो मेन है वो हमारी वाइट कलर की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेन जो हमारी है वाइट कलर की है दोस्तों। चलो हम इसे अंदर रख लेते हैं, ये हमारे आगे दूसरी मोटर के दोस्तों, इसे भी काट के हम छील लेंगे। चलो इसकी तार भी चेक कर लेते हैं, एक वाइट है इसमें, एक अपना नीले कलर की है दोस्तों। इसमें देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, आपको वीडियो में साफ नहीं दिखाई देगा दोस्तों, इसमें भी हमारी वाइट कलर की मेन है। ये देखो कम जला इसमें, इसमें वाइट कलर की मेन है इसमें भी दोस्तों। दोनों की, दोनों मोटरों की कॉमन हमारी वाइट कलर की है दोस्तों। चलो अब हम इसे कनेक्शन करके दिखाता हूँ मैं, अब किस तरह कनेक्शन करने हैं हमें। ये हमने कैपेसिटर ले लिया दोस्तों, इसमें पर्पल और अपने येलो कलर जो, सॉरी हाँ पर्पल और येलो कलर हमारा वाश मोटर की है। ठीक है दोस्तों, येलो कलर और पर्पल वाश मोटर की है दोस्तों। चलो हम इसे तार जोड़ के दिखाएंगे, और जो अपना रेड और ब्लू है वो अपना ड्राइवर मोटर की है। चलो हम इसे छील लेते हैं, तार छोटी है दोस्तों इसकी, वाइट छोड़ के हम दोनों में जोड़ लेंगे तारों को, येलो पर्पल दोनों में जोड़ लेंगे, कलर सेम है दोस्तों अंदर भी। फिर भी मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया है, तार थोड़ी छोटी है। चलो अब हम डायरेक्ट तार लगा के देखते हैं मोटर हमारी ठीक है नहीं है। डायरेक्ट लगा के देख लेते हैं हम, तारे ठीक है नहीं हमारी, थोड़ा ध्यान से लगाना डायरेक्ट तार में। है तो फोन दुकान पर आ गया। हेलो, देखो दोस्तों हमारी मोटर चल गई है, दोनों चक्कर चेक कर लेते हैं हम, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चल रहा है दोस्तों हमारा। बालाजी दोनों साइड चल रहा हमारा फोन। चलो अब इसे भी हम चेक कर लेंगे, चलो हम इसमें भी जोड़ लेंगे, इसमें भी हम वाइट कलर की तार छोड़ देंगे दोस्तों, इन दोनों में जोड़ लेंगे एक तार हम। कदी सिंपल तरीके हैं दोस्तों, बस इसमें एक चक्कर होता है, हम किसी भी एक साइड के चक्कर को ले लेंगे हम इसमें। चलो इसकी मोटर भी चेक कर लेते हैं हम डायरेक्ट लगा के एक बार प्लग, एक हमें वाइट पर लगानी है, एक किसी भी कैपेसिटर के उस पर लगा लेंगे। देखो मोटर चल गई दोस्तों, दिख रही होगी हल्की सी आपको अंदर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को, ये दोनों चक्कर हैं, वाइट रेड ले लो या वाइट अपना ग्रीन ले लो। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेक हमारे कलच। चलो अब हम आपको बारी के बताने वाला हूँ, चलो मैं आपको इसके सिंपल कनेक्शन सिखाऊंगा दोस्तों। ये देखो ये कपलिंग होती है इसकी, जो हमारा ड्रायर है उसकी कपलिंग बोलते हैं दोस्तों इसे। ये तार काफ़ी छोटे हैं दोस्तों इसमें, ये वाइट कलर के तार हमारी, इसकी कॉमन और अपनी इसकी कॉमन, दोनों मोटर की कॉमन को हम एक साथ जोड़ लेंगे, ड्रायर और वाशिंग की दोनों की एक साथ जोड़ लेंगे दोस्तों। इस साइड वाइट और ये दोनों वाइट आपस में जोड़ लेंगे, इसे हमें कॉमन रखनी है दोस्तों। इसे जो हम दोनों मोटरों की तार को कॉमन रखनी है, जो हमारी बाहर से मेन आएगी इसका न्यूट्रल जोड़ देंगे दोस्तों। दोस्तों हमने पैनल में तार जोड़ ली है, देखो ये बजर था, बजर की तार कटी हुई थी, हमने एक बजर को तार को छोटा रखा है क्योंकि हमें इसमें ही जोड़ना है, यहीं से ही टाइमर से यहीं जुड़ जाएगा दोस्तों। ये तार हमने बजर में एक एक्स्ट्रा लंबी कर ली है न्यूट्रल के लिए, ये नीचे तक चली जाएगी हमारी दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी यहीं की यहीं जुड़ जाएगी दोस्तों, दिख रही होगी आपको जो लास्ट वायर है हमारी जुड़ जाएगी, जो हमारी ये है ब्लैक वायर, ब्लैक हमारी अपना फेस आ जाएगा इसमें दोस्तों। क्यों हमने फेस क्यों लिया इसमें, क्योंकि जो बजर के साथ तार होती है ना, ये हमारा फेस होता है, और ये दो हमारे चक्कर हो गए, ठीक है दोस्तों, ये दोनों चक्कर हमारे, ये हमारा फेस हो गया, ये बजर हो गया, हमेशा बजर इस साइड होगा, ये साइड हो जो लास्ट का होगा दोस्तों, ठीक है। चलो हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमने इसमें तारे जोड़ लिए लंबी करके, ठीक है। अब हमने सेम इसमें भी ऐसे ही करा है दोस्तों, इसमें एक ही तार छोटी रखी हुई है, ये हम पत्ती में जोड़ लेंगे, जो हमारी ऊपर पत्ती लगी हुई है जो भी ढक्कन उठाने से बंद हो जाती है, ये पत्ती में जोड़ लेंगे, एक पत्ती में से लंबी तार नीचे ले लेंगे, एक टाइमर की तार हमने लंबी ले ली है फेस के लिए, एक फेस इसका हो गया, एक फेस इसका हो गया, ठीक है दोस्तों, दोनों को कॉम मिल जाएगा हमारा। एक जो ये पत्ती वाली तार थी हमने यहाँ से यहाँ ले ली है, ये दिख रही होगी आपको पत्ती में जुड़ी हुई है तार। चलो दोस्तों पैनल लगा लेते हैं, ये जो तार मैंने आपको बताई थी पत्ती के लिए है, ये हमारी वास उसकी मोटर है, ड्रायर की सुखाने वाली मोटर दोस्तों, इसकी हम इसमें टाइमर को इसमें तार जोड़ लेंगे, एक तार पत्ती में जोड़ लेंगे, पत्ती में से तार लेके हम नीचे चले जाएंगे, इसके दो तार होते हैं दोस्तों, एक ही चक्कर घूमती है दोस्तों, ये एक ही साइड चक्कर होता है इसका, ये दो तार हो गए हमारे पास दोस्तों इस टाइमर की, एक इस टाइमर से हमने इस पत्ती को दे दी, पत्ती से जॉइंट होकर नीचे चली गई दोस्तों, ये दो तार हो गए हमारी, ठीक है दोस्तों। चलो हम इन दो तारों को नीचे डाल लेते हैं अब, ठीक है दोस्तों, एक रेड है इसकी और एक हमारी ब्लू कलर है। चलो अब इसकी देख लेते हैं दोस्तों, ये तो हमारी बजर की है ब्लैक कलर की तार, हम इसे ब्लैक कलर वाली तार को नीचे डाल देंगे, ये बजर की है दोस्तों, बजर घंटी की तार है दोस्तों, ये दो चक्कर है दोस्तों हमारे, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें दिखाया था भी थोड़ी देर पहले, ये दोस्तों हमारा फेस मेन जो मेन वायर है कैमरे के, जिसे मेन सप्लाई जाएगी, एक मेन हम इसको दे देंगे, एक टाइम इसमें टाइमर को दे देंगे दोस्तों। चलो ये हमारी कंप्लीट हो गया, हम इसे नीचे कर लेते हैं, ये बंद कर दिया दोस्तों। चलो हम नीचे वायरिंग कर देते हैं, टोटल हमारे पे दो दो चार दो छः तार हो गए हैं दोस्तों, कंपनी काफ़ी सारी तार देती है पर हमने केवल छः तार में करके दिखाएंगे दोस्तों, आ जाओ नीचे। चलो दोस्तों ये वायर हमारे पास आ गई हैं, चलो मैं उन्हें जोड़ के दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये हमारी मोटर की तार हो गई थी, मैंने थोड़ी सी लंबी जोड़ ली हैं, तीनों तार वाइट वाइट जो मैंने आपको बताई थी जिस तरीके से, ठीक है दोस्तों, तीन तार इसकी हैं हमारे पास, ठीक है, और चार तार हमारे पास इसके टाइमर की। चलो मैं लगा के दिखाऊंगा किस तरह लगाने हैं, सबसे पहले तो हम इसकी लगा लेते हैं कैपेसिटर की चार तार हैं मैंने आपको बताई थी, पर्पल और येल्लो, ये दो हमारी होगी ये सुखाने वाली मोटर की। चलो हम इसे छील के इसमें लगा लेते हैं पहले, चलो इसे छील लेते प्रॉपर, ये छील गया हमारा दोस्तों। अब हमें इसमें से मैंने दो तार बताए थे आपको, एक हमारा येलो, येलो में येलो जोड़ लेंगे या कोई सी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये पर्पल हो गया हमारा, इसमें जोड़ लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारे जो ऊपर से आए थे हमारी ये वायर है, ये हमारे दो चक्कर थे मैंने आपको बताए थे, दो चक्कर हैं, ये एक्स्ट्रा तार हो गई, मैं इसे काट लेंगे थोड़ी सी, ये भी जो हमने कैपेसिटर की तार जोड़ी थी, लेफ्ट राइट चक्कर हैं। चलो एक तार हम इसमें जोड़ लेंगे, इसे एक तार हम इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों, कोई सी किसी में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस पर हम टेप मार लेते हैं, साथ ही साथ टेप मारते रहना दोस्तों ताकि आप बिच लो ना। होने वाली मोटर में सिर्फ एक तार होता है हमारे पास, बाकी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। और कैपेसिटर में दो तार बच गया हमारी, रेड और ये ब्लू, अब इसमें कैपेसिटर में जोड़ लेंगे, इसमें भी वाइट हमारी मेन थी मैंने आपको बताया था, एक एक तार इसमें भी जोड़ लेंगे दोस्तों हम। वाइट इसमें भी बच जाएगी हमारी दोस्तों, वाइट इसमें बच गया। चलो अब इसमें दो तारें कौन कौन सी थी दोस्तों, एक ये ब्लू कलर की थी और एक रेड थी, रेड दोनों की कॉमन है, दोनों इसकी भी और इस टाइमिंग दोनों की कॉमन ले लेंगे हम, ये हम नीली ले लेंगे इसमें चक्कर के लिए, और नीली में ये लगा दे, चाहे इस चक्कर ले लो चाहे ये चक्कर ले लो दोस्तों, कोई सा चक्कर ले सकते हो आप,
चलो इस पर ट्रे मार देंगे। इसका एक चक्कर रहता है, एक साइड घूमती है ये मोटर सुखाने वाली, तो इसका एक चक्कर लगता है हमारा दोस्तों। दो तार का टाइमर होता है इसका, तो इस पर ट्रे मार लेते हैं। जो दूसरा चक्कर है इस पर ट्रे मार लेंगे दोस्तों। कैपेसिटर के चारों तार लगी हैं दोस्तों हमारी, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पे केवल दो तार रह गए दोनों मोटरों की, एक इस मोटर की एक इस मोटर की, आपस में कॉमन कर देंगे दोस्तों। ये जो बजर की तार थी ब्लैक कलर की दोस्तों, बताई थी मैंने आपको बजर कलर की, बजर की ब्लैक कलर है ये। न्यूट्रल हम इसमें ले लेंगे, एक तो हमने ऊपर जोड़ी दी थी, एक यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसमें जोड़ दिया, हमारे पास तीन तार हो गई हैं, दो मोटर की और एक बजर की, ठीक है। ये मेन तार हमारी, मेन तार की ब्लैक तार लेंगे। चलो इसको भी ट्रेन मार लेते हैं। एक ये मेन जोड़ दी हमने दोस्तों, दो अपनी मोटर की हो गई है, एक बजर की हो गई है, ठीक है। ये चार तार हो गई थी टोटल हमारे पास। चलो इसको भी ट्रेन मार लेते हैं हम। बारीक बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास बच गई एक ये, वो ये मेन तार हमारी जो काली वायर है जो बाहर से आई हुई है बोर्ड की, और ये दो वायर ये बच गई हमारे पास, इस टाइमर की मेन, इस टाइमर की मेन, इन दोनों टाइमरों की मेन है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे भी इन दोनों को इस दोनों में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। ये हमारी वायरिंग होगी कंप्लीट दोस्तों, ये लो दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब फेस हमारे ऊपर से कट कट का आएगा बटन के थ्रू। चलो इस पर टेम मार देते हैं। ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों, मैंने आपको बताई दिया। चलो हम इसे चला के देखते हैं। अब ये टाइमर हमारा लग गया, चलो हम इस तार को लगा के देखते हैं मेन में, हमारी वायरिंग कंप्लीट ठीक है ना। चलो दोस्तों हम चला के देख लेते हैं। ये बोर्ड है हमारा, हमने मेन तार लगा ली इसकी। चाहे मैं घुमा के देखना, इसको घुमाना इसका। देखो हमारी सूखने वाली चला दी हमने, ठीक है दोस्तों। चलो हम इसे धोने वाली चला के देखते हैं इसकी। देखो धोने वाली हमारी प्रॉपर चल गई है, दोनों चक्कर ले लिए दोस्तों प्रॉपर। ये एक चक्कर है, ये देखो रुकने के बाद दूसरा चक्कर लेगी, ये दूसरा चक्कर आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। बारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी मेरे दोस्तों। बड़ी प्यार से छह तारों में वायरिंग करी है केवल हमने इसकी, केवल छह तारों में,